भाई कुछ बोलो अंपायर। चलो भाई। भैया क्या कह रहे हो? ये देखो ब्लॉगर पार्ट टू। ये वाला नहीं करना था, ये सीओ नहीं करना था। ये सुमित भैया और अंपायर जा रहे हैं भाई टॉस करने। भैया टॉस का वेट कर रहे हैं सुमित भैया और अंपायर। और ये देखो भैया लेजी लेजेंड के कप्तान कहाँ है? मोहित भैया कुछ पंचायत कर रहे हैं वहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखो लेजी लेजेंड के उभरते हुए नए कप्तान मिस्टर मोहित चौहान पहले मैच की कप्तानी करेंगे आज। बताते हैं, ठीक है अभी डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे। बता देंगे, बता देंगे। ठीक है हाँ जी सर, इधर आओ, टीम से डिस्कस करते हैं और जो सीनियर प्लेयर हैं उनसे देखेंगे भाई पिच में कैसा है, बॉलिंग करनी है बैटिंग करनी है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। मैंने सुना आपके टीम में रणजी के भी कुछ प्लेयर हैं पुराने। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा ये प्रॉपर कॉर्पोरेट गेम है तो इसमें रणजी वणजी का कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन अपने कॉर्पोरेट प्लेयर खेलो तो वो तो खेल सकता है। नहीं 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 ऐसा कोई प्लेयर नहीं है हमारी टीम में। थैंक यू सर। थैंक यू। ये हमारे कॉर्पोरेट क्रिकेट के जो मैच है वो स्टार्ट हो चुका है। देव और दीपांशु ओपन करने जा रहे हैं। भाई बोल रहा जल्दी आना ही आना है। इतना प्यार अपनी टीम से। देव जो है वो वार्म अप करते हुए, दूसरी टीम भी जा रही है। सो टीम हडल के बाद भाई स्टार्ट हो चुका है मैच। दोनों बैट्समैन भी डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है। कीपर वार्म अप कर रहा है, ये समझ में नहीं आया क्यों, बॉलर को करना चाहिए, बॉलर कुछ कर नहीं रहा है। अंपायर जो है अपनी अपनी पोजीशन में जाते हुए, फील्डर भी, चलो देखते हैं क्या होता है। बॉलर थ्रो मार के वार्म अप कर रहा है। क्लाउडी मौसम, मैच की शुरुआत होते हुए पहला बॉल डॉट। अब हम सीधा मैच पे फोकस करते हैं और हम पहुँचे हैं बैट्समैन पे। पहले बॉल के बाद ही डिस्कशन चालू। पर क्रिकेट में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई बंदा स्लिप लगा के बॉल डाल रहा है, वो भी दिन के टाइम पे। पहला बॉल ही डॉट और ये क्रॉस मार के अगला बॉल राइट आर्म ओवर। थोड़ा बॉल आउटस्विंग शेप लेता हुआ और बैट्समैन थोड़ा क्रॉस खेलते हुए, थोड़ा मौसम खुलता हुआ और हम फोकस करते हैं सीधा मैच पे। राइट आर्म ओवर, दूसरा ओवर लेके नया बॉलर। ओ बॉलर दिशा से भटकते हुए, हाथ घुमाते हुए। कॉर्पोरेट क्रिकेट में ये काफ़ी कॉमन है कि वार्म अप बंदा बॉल डालने के बाद करता है। दूसरा बॉल लेते हुए राइट आर्म ओवर, आउटस्विंग पहला बॉल ही उठा के मार दिया है। इसी प्रकार पहला चौका टीम का और टीम के प्लेयर जो हैं चेयर्स करते हुए। राइट आर्म ओवर, अपना बॉल लाते हुए टैप करने के बाद सिंगल, बॉल कलेक्ट नहीं कर पाए और गुड सिंगल यहाँ पे। फिर से फील्डिंग सेट करते हुए राइट आर्म ओवर, मिडिल स्टंप पे क्रॉस मार के बॉल, एक और बाउंड्री, फील्डर चेज नहीं कर पाया और एक और बाउंड्री। राइट आर्म ओवर, फिर से क्रॉस, कैच आउट के रूप में पहला विकेट। एक ग्रुप है स्पोर्ट्स वाला जो मैंने ज्वाइन किया हुआ। एक विकेट गिरने के बाद भाई यहाँ पार्टनरशिप की कुछ बात चल रही है। सो अब देखते हैं नए बैट्समैन हैं कुमार आदित्य कैसा खेलते हैं। अगर इनके बारे में बताया जाए तो आरएन के कोर प्लेयर में से हैं, बॉलिंग भी अच्छी डाल लेते हैं, विकेट कीपर भी हैं, तो एक मल्टीटास्किंग खिलाड़ी हैं। बाकी देखते हैं लेजी लेजेंड की तरफ से कैसे खेलते हैं। और लेग गार्ड लेते हुए अपने इनिंग की पहली बॉल खेलते हुए और राइट आर्म ओवर, पहला बॉल ही मिड ऑफ की तरफ, सिंगल लेके अपना खाता खोला। वहाँ थोड़ा सा मिसफील्ड बट दो में कन्वर्ट नहीं किया। राइट आर्म ओवर, फिर से बॉल चला और मिड ऑफ की तरफ सिंगल, इजी सिंगल। इजी लेजेंड के लिए नहीं है ये अच्छी शुरुआत, स्टार्टिंग में ही दो विकेट मिल चुके हैं। नया बैटिंग पेयर जो है बैटिंग कर रहा है तो बॉलिंग एंड देखा जाएगा अब कौन बॉल डाल रहा है। राइट आर्म ओवर, नया बॉलर बॉल लेके मिड ऑफ का बॉल मिड विकेट की तरफ मारते हुए क्रॉस बैट से, बट यहाँ डॉट बॉल। राइट आर्म ओवर, फिर से यहाँ मिड ऑफ और कवर्स के बीच में से एक मारा है चौका देव ने। इसी प्रकार धीरे धीरे रन रेट आगे ऊपर जाता हुआ, बट अभी यहाँ पे ना इनिंग बिल्ड करनी पड़ेगी क्योंकि इनके स्टार्टिंग में ही दो आउट हो गए हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है। राइट आर्म ओवर, फिर से बॉलिंग आती हुई दिल्ली 51 की और ये मिडिल स्टंप पे बॉल पड़ता हुआ, टैप करके सिंगल लेना चाहते हैं पर ये बॉलिंग एंड पे थ्रो और यहाँ पे थ्रो बैकअप कर लिया गया है, नहीं तो एक रन और मिल जाता है इन्हें।
कार मौसम भी थोड़ा खुल गया है, जो मौसम बनता। चलिए आइए मैच पे फोकस करते हैं फिर से। राइट आर्म ओवर, कीपर थोड़ा फील्ड सेट करता हुआ। राइट आर्म ओवर दिल्ली 51 के बॉलर, और ये बॉल मिडिल स्टंप पे टैप करा, डॉट रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। मिलते हैं अगले ओवर पे। 3 आउट हो गए हैं भाई कम टोटल पे, टीम चेस करते हुए। पूरे कप्तान काफ़ी गुस्से में है, कुछ बम बम की बात कर रहे हैं। ये देखो मिस्टर देव पांडे कुछ समझाते हुए, नया बॉलर जो है मैच की शुरुआत करते हुए। राइट आर्म ओवर और फुल टॉस बॉल के साथ शुरुआत, इजी सिंगल लेते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ। और अभी क्रिच में है लेजी लेजेंड के मेन बैट्समैन अंशुमन, इन पे काफ़ी ज़्यादा टीम की दारोमदार है। देखते हैं क्या करते हैं आगे। अपने ग्लव्स वगैरह चेक कर लिए हैं इन्होंने। उसके बाद राइट आर्म ओवर, अगेन न्यू बॉलर तेज फेंकते हुए कवर्स की तरफ सिंगल जाता हुआ, पकड़ नहीं पाए। और फील्डर चेस करते हुए बैड थ्रो के होते हुए यहाँ बैट्समैन ने 2 रन ले लिए। क्विक सिंगल लेना चाह रहे थे और थोड़ा सा फील्डर स्लो की वजह से नहीं ले पाए। भाई बॉल गई, कीपर ही भाग रहा है बॉल की तरफ। बॉल सर वहीं से वहीं निकल गई सीधी सीधी, पहले मतलब गाली मत दो यार, कभी कभी समझा करो सामने वाला। चार है भैया, 6 ओवर हो गए। हां साथ चल रहा है। ओए ओए बोल यार, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना तो सही होता था। मुझे सीधा कई बार डॉट आउट हो जाएगा। ओए डॉट कर दिया था आपने, खेल रहा हूं भाई, कहां खेल रहा मैं। 2000 लिया इसी का, दिक्कत से ना लगा 7 हां साल। और देखो अभी जो 1300 में बना देंगे। चार हो गया, निकल गया भगले। आखिरी 3 ओवर, राइट आर्म ओवर, बैट्समैन है सनी भैया। पहला ही शॉट, बड़े टाइम बाद कैच पकड़ लिया गया है भाई। ये भी अच्छी इनिंग खेलते हुए, नए बैट्समैन विकेट की तरफ जाते हुए। के साथ रॉयल नेक्स क्रिकेट के कैप्टन मिस्टर अरविंद आ चुके हैं स्ट्राइक पे, और कैच आउट होने के बाद जा रहे हैं पवेलियन पे। आखिरी के 2 ओवर बचे हुए हैं, अब देखते हैं क्या होता है भाई। आखिरी 2 ओवर में पहली बॉल, ही भर के दिया है और सिंगल ओनली। राइट आर्म ओवर, बॉल डबल की ताक में।
और ये अंशुमन की 50। राइट आर्म ओवर बॉल की आखिरी। एक और बाउंड्री, लास्ट 8 बॉल्स मैच की, पहला डॉट। मैच की आखिरी 7 बॉलें, जिसमें से कि पहला बॉल स्ट्रेट में और भाई ने शॉट मारा है, दूसरे के लिए भागते हुए तैयार, और सिंगल से ही सेटिस्फाई होना पड़ा। पहले इनिंग के आखिरी 6 बॉलें, पहला बॉल शॉट मारा है डॉट बॉल, दूसरी बॉल लास्ट ओवर की वाइड बॉल, आखिरी 5 बॉलें में से पहली बॉल, आखिरी 4 बॉलें, लास्ट 2 बॉल्स मैच की, मैच की लास्ट बॉल और 2 भागने की ताक में है, 2 रन। इसी के साथ पहली इनिंग जो है ख़त्म होती हुई। अनुभवी प्लेयरों से भरी हुई है टीम और काफी अनुभवी अंपायर हमारे निखिल। कल मोहित ना तो दोबारा कर क्या पता ओवर मिल जाए तेरे को। कल जो इसने मोहित के साथ करा था आज ओपनिंग दे दी भाई ने। ये बढ़िया था जाते हुए हमें ललित ललित यार उसके बाद एक नंबर बस यही था ना। कॉपी पेस्ट कर रहा है किसी का। जय श्री राम। अवरेज को और अवरेज ने खेल दिया है सामने की तरफ, फील्डर अरविंद मौजूद, उतनी ही तेजी से बॉल वापस भेज दी है। बेहतर पटका हुआ गैर ललित के द्वारा, बेहतरीन फील्ड, बहुत बढ़िया फील्ड। चार कोई, लेकिन मैच जीतना है तो आपको परफॉर्म करना होगा, चट्टानी होंगी। और ये बेहतरीन 6 रन दीवार पे देके मारा है अवरेज ने। बेहतरीन बॉल, वापसी काफी अच्छी करी थी, यही बेहतरीन फील्ड यहाँ पर मुकुल के द्वारा। बढ़िया मुकुल, बढ़िया। समझ चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। बेहतरीन बॉल यहाँ पे आ गई, दीपांशु यहाँ पे मछली पकड़ते हो क्या बात है। गुड बॉलिंग यार अरविंद भाई। बॉल
सकती, फेंकने वाली बात है बस, वो जहाँ डालना चाहते हैं वहाँ डलेगी नहीं। राइट टर्म राउंड बीच बीच मैच में विकेट कीपर चेंज, क्योंकि है बॉलिंग की डिमांड, पर नए विकेट कीपर हमारे चलते हुए। ओवर में 70 रन, लेफ्ट आर्म राउंड, और यहां कीपर की चेंज है, मिस कुमार आदित्य विकेट कीपर, और देखते हैं क्या होता है। थ्री क्वार्टर बॉल टैप करा है पॉइंट की तरफ, सिंगल हैंडेड पकड़ना चाह रहे थे, मिसफील्ड और सिंगल। ओवर की दूसरी बॉल, बॉलर इशारा करते हुए कंट्री एंड में कि कैच आएगा, और लेफ्ट आर्म बॉल डिफेंस कर लिया है, टैप करके सिंगल लेना चाहते, रन आउट का चांस और मिस कर दिया है। लेफ्ट आर्म राउंड अगेन, अपना थर्ड बॉल लेते हुए स्टेप आउट दिखाया ऊपर और मारने की कोशिश एज लग के फाइन लेग की तरफ, और सॉरी गली की तरफ थ्रो मारा है और पकड़ लिया। चौथा बॉल ओवर का, वही अपने थ्री क्वार्टर रेंज में कैच की कॉल, कैच ड्रॉप, ओवर का पांचवा बॉल। एक चीज दिखानी देखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी है बॉलिंग में, और एक और मिस फील्ड। के नए कप्तान मिस्टर मोहित चौहान दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए, कोई आवाज़ नहीं, ग्राउंड में चुपचाप खड़े हैं। और यह ओवर का लास्ट बॉल, इसके बाद ड्रिंक्स होगा। लास्ट बॉल स्टेप आउट करके सामने ही दे दिया है, थोड़ा सा मिसफील्ड, बट कोई रन नहीं। इसी प्रकार 10 ओवर में 78 रन, 3 विकेट के लॉस पे। बॉडी बिल्डर ड्रिंक्स वाला चल रहा है भाई, सुशील भैया कुछ ज्ञान देते हुए नए कप्तान को, अब वो ज्ञान क्या है वो तो दोनों ही जाने। बाकी ड्रिंक्स का माहौल, कुछ बात चल रही है। मार, लेग में मार।
राइट एम ओवर सुशील भैया थोड़ा फटकाते हुए और ओ जरा सा रह गया। ग्राउंड में खड़ा हूँ मतलब फुटों के बीच में, हाँ नेटवर्क नहीं आ रहे, अभी तुम्हारे को आधे घंटे में मिल जाऊंगा। 3100 पहले कितने थे, 1500 थे कितने थे पहले? बहुत बढ़िया मून, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया मून। सूरज अस्त होता हुआ, 5 ओवर में 60 रन की रिक्वायरमेंट, पहला बॉल सुशील भैया लेते हुए और ये कट कर दिया है, फील्डर भाग रहे हैं मिस्टर कमल पांडे और बॉल पकड़ा थ्रो मार दिया है 2 रन। मेन वाइल आप सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए, देखिए सनसेट हो रहा है और वेदर काफ़ी अच्छा है खेलने के लिए। और अगला बॉल लेके सुशील भैया फील्डिंग सेट करते हुए कट पे एक बंदा सेट कर दिया उन्होंने, दोबारा से राइट आर्म स्पिन मिक्स करते हैं, बेसिकली स्पिन भी है पेस भी है, कभी फ्लाइट देते हैं, फ्लाइट दे दिया उस टाइम पे सामने ही रोक लिया है, काफ़ी माइंड से बॉल डालते हैं। सनसेट देख रहे हो मस्त एकदम। अगेन मैच की तरफ आते हैं, सुशील भैया फिर से अपनी फील्डिंग सेट करते हुए, कौन सा फील्डर सेट कर रहे हैं, कवर्स वाला फील्डर जो है इनका सेट किया जा रहा है, फिर से थोड़ा डायगोनल आते हुए स्लो स्लो धीरे गति से सामने डाल दिया है, क्या ये कैच होगा, नहीं होगा, दो फील्डरों के बीच में पकड़ी है बॉल थ्रो भी, अपने कोटे का एक और बॉल लाते हुए मध्यम गति से धीरे धीरे और बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, फिर से धीरे धीरे गति से आते हुए और हमें लगता है कि फिर से फ्लाइट देंगे, बॉल मिड ऑफ की तरफ ब्रिज बना के फील्डिंग पकड़ के और सीधा बॉल, मिस्टर कमल पांडे बाहर आते हुए अच्छी बॉलिंग डाल के अब ये बाहर आते हुए, 18 बॉल में 43 रन की रिक्वायरमेंट, अब देखते हैं 18 बॉल में 43 की रिक्वायरमेंट, पहली बॉल सुशील भैया लेते हुए राइट आर्म ओवर मध्यम गति से और थोड़ा सा मिस फील्ड हो गया कीपर द्वारा, आदित्य भैया भाग रहे पूरी तेज और दूसरे रन की रिक्वायरमेंट, ओह क्लोज थ्रो, डबल ले लिया है पहली बॉल पे, 17 बॉल में 41 की रिक्वायरमेंट। सनसेट अपना ऑन पीक सनसेट हो चुका है, आखिरी हो मैच का अंतिम पढ़ाओ, 17 बॉल 41 रन, सुशील भैया फील्डिंग सेट करते हुए राइट आर्म धीरे धीरे मध्यम गति से आते हुए, बैट्समैन तैयार है, काफ़ी मजले हुए बॉलर हैं और ये उठा के मार दिया है फील्डर के हाथ में, बट फील्डर जज नहीं कर पाया और ये चौके की तरफ बॉल जाते हुए, 16 बॉल में अब जो 37 रन बचे हैं ओनली, और यहाँ धीरे धीरे मध्यम गति से आते हुए फिर से शॉट उठा के मार दिया है, आई गेस सिंगल होना चाहिए, 2 की कॉल है बट सिंगल ही लिया है, अभी तक
तीन बॉल में एक चौका, एक डबल और एक सिंगल, यानी टोटल 7 रन आ चुके हैं आदित्य भैया फील्डर को सेट करते हुए। बाकी थोड़ा रोमांचक हो गया है मैच। सुशील भैया फिर से मध्यम गति से धीरे धीरे आते हुए आ रहे हैं, धीरे 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 फिर से लूप दिया है बाहर की साइड, बट मारना चाह रहे थे और स्टंप आउट, बैट्समैन अंदर ही नहीं आ पाए। 12 बॉले 32 रन, पहली बॉल पे सिंगल, अब चाहिए 11 बॉल में 31 रन में 31। मीडियम पेसर अपनी बॉल लाते हुए और ये पैड पे लग के मिस। 10 बॉल 31 रन और 10 में 31, फिर से शॉट मारा कवर्स की तरफ, बॉल पकड़ के थ्रो मार दिया है बट सिंगल और मोहित भैया का अच्छा बैकअप। 9 बॉल में 30 रन, 9 पे 30, धीरे धीरे बंदा आता हुआ बॉल डालने के लिए, स्ट्रेट में आड़ा मार दिया है मोहित भैया ने पकड़ा और नॉट अ गुड थ्रो। 8 बॉल 29 रन, फोकस करना चाहूँगा लेजी लेजेंड के ताज़ा ताज़ा कप्तान बने हुए मोहित चौहान, जो पहली जीत की तरफ अग्रसर करते हुए तालियां बजाते हुए अपनी टीम के लिए। और यहाँ बंदा फिर से आते हुए और ये डॉट और स्टंप की उम्मीद, आदित्य भैया ने अपील करते हुए अंपायर से, अंपायर ने स्टंप की अपील को स्वीकार करते हुए इसी प्रकार एक और आउट। 7 बॉल में 28 रन की रिक्वायरमेंट, पहला बॉल ही मार दिया है कवर्स की तरफ, मिस्टर पांडे चेस करते हुए पर ये बॉल नहीं रोक पाएंगे और दीवार में टकरा गए। 6 बॉल 24 रन की रिक्वायरमेंट और ये मोहित भैया बिल्कुल सेंट, उनके भूतपूर्व कप्तान फील्डिंग सेट करते हुए यहाँ से एक कैप्टेंसी और अंपायर। पहला बॉल ललित नेगी, पहला बॉल ही यॉर्कर और ये बाई का चौका आते हुए, पहला बॉल ही बाई का चौका। 5 बॉल में चाहिए 20 रन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर, पहला बॉल ही टांग के बीच में से निकल गया है। 5 बॉल 20 रन, कुमार आदित्य भैया तैयार, बॉलर फिर से तैयार ललित नेगी और एक और मिस, इस बार अच्छा कलेक्ट कराए। और तब तक आप सिनेमैटिक इंजॉय कीजिए, देखिए बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। 4 बॉल 20 रन फिर से चले हैं और ये ब्लॉक होल में बॉल सिंगल पकड़ के सीधा थ्रो। 3 बॉल 19 रन, 3 बॉल 19 रन और ये देखिए कमल पांडे भैया पूरा चेयर्स करते हुए अपने टीम के बंदे को, और ये पूर्व कप्तान सेंट पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या सेंट ले लिया उन्होंने। और ये देखिए बॉलर चलता हुआ 3 पे 19 और सीधा ब्लॉक होल डंडी पे, जी हाँ सीधा बोल्ड। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन जिसकी कोई ज़रूरत है नहीं खास अभी, क्योंकि 2 बॉल में 19 रन, ललित नेगी चलते हुए बॉल डालते हुए और फिर से यॉर्कर लेंथ, ओ सीधा मिस, कुमार आदित्य तेज भागे। और ये जो हमारे भूतपूर्व कप्तान हैं कमल पांडे भैया, ये फुल फुर्ती में, अगर आप देख रहे हो फुल जोश में है। और ये हमारा, ये देखिए ये मिस्टर मोहित चौहान फुल पता नहीं कौन से उसमें है अभी, कुछ नहीं बोल रहे, सस्ता नशा कर लिया इन्होंने। और अब 1 बॉल 19 रन और ये फील्डर बीच में से वॉक करते हुए और ये विनिंग मोमेंट देखते हैं क्या होता है। बैक लिफ्ट उठाते हुए फिर से यॉर्कर लेंथ का बॉल हिट कर दिया है और ये सुशील भैया की तरफ बॉल जाता हुआ और ये थ्रो, बॉल पकड़ के डेड और ये 2 रन 17 रन। इसी प्रकार लेजी लेजेंड ने, लेजी लेजेंड ताली बजाते हुए उन्होंने 17 रन से अपने टूर्नामेंट का पहला मैच जो है जीत लिया है। और ये मोहित चौहान तालियां बजाते हुए, पूरा नहीं हो पाया इन, और ये विनिंग मोमेंट, लेजी लेजेंड ने मैच जीत लिया है। मिस्टर कमल पांडे भैया पूरा फुल बोल रहे हैं बट हमारे कप्तान नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए मिस्टर मिस्टर मोहित चौहान, कुछ नहीं बोले पूरे मैच में। और ये जोश, एक्स्ट्रा परफॉर्म भी करा आज, एक्स्ट्रा परफॉर्म करा, कोई टिप्स नहीं दे रहे अपने फील्डरों को, सुशील भैया मुस्कुराते हुए बंद बंद। और ये मोहित भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं, भाई ने 50 मार के टीम को योगदान, पहला टूर्नामेंट का पहला मैच, क्या बोलना चाहेंगे वो भी जीत के साथ, खतरनाक हंसी, बहुत बढ़िया खेले आज, बहुत बढ़िया।